चैनल दिस इज अंजलि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने फोन से अपने कोर्ट केस का स्टेटस, कोर्ट की प्रीवियस डेट और आने वाली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और हमारे केस में क्या क्या ऑर्डर्स हो चुके हैं और हियरिंग की डेट पर कॉज लिस्ट में आपका केस कितने नंबर पर लगा है, ये सब आप पता कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको ई कोर्ट सर्विस नाम की ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद कुछ इस तरह का आइकन आपके फोन में शो होने लगता है। एप्लीकेशन को ओपन करने पर इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें चार ऑप्शन शो होते हैं, फर्स्ट CNR, सेकेंड केस स्टेटस, थर्ड कॉज लिस्ट एंड फोर्थ लास्ट माई केसेस। अगर आपको अपने केस का 16 डिजिट का CNR नंबर यानी कि कोड नंबर रिकॉर्ड पता है तो डायरेक्ट आप अपने केस के कंप्लीट डिटेल्स, डेट्स, स्टेटस और ऑर्डर्स को CNR नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको आपका CNR नंबर नहीं पता तो अपनी कोर्ट से आप अपने केस का CNR नंबर पता कर सकते हैं। उसके बाद जब तक आपका केस चलेगा उस CNR नंबर से आप कभी भी घर बैठे बैठे अपने केस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको एक केस का CNR नंबर डाल के दिखाने वाली हूँ और सारी डिटेल्स कैसे शो होने लगती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि CNR नंबर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होने लगती हैं। CNR नंबर डालते ही केस की डेट्स, केस किस स्टेज पर चल रहा है और सभी ऑर्डर्स आपको शो होने लगते हैं और ये सभी ऑर्डर्स और केस का स्टेटस आप बड़ी ही आसानी से इस एप्लीकेशन पे जाकर अपना CNR नंबर डालकर आसानी से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है केस स्टेटस। जैसे ही आप केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप केस स्टेटस पर जाएंगे, उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद FIR नंबर पर जाएं, उसके बाद अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करें, उसके बाद पुलिस स्टेशन पर जाएं, पुलिस स्टेशन आपका जो भी वो आप वो डाल दें, उसके बाद FIR नंबर पर क्लिक करके अपना FIR नंबर डाल दें, उसके बाद नीचे दिए गए सभी ऑप्शंस में से बोथ पर जाकर गो पर प्रेस कर दें। इस तरह से आपकी सभी तरह की डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें आप अपने केस नंबर पर जाएंगे, अपना केस सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको आपके केस का सभी तरह का स्टेटस शो होने लगता है और आप अपने केस की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और आपने आपके केस में क्या क्या ऑर्डर्स हो चुके हैं वो भी आप इस एप्लीकेशन पर जाकर चेक। थर्ड ऑप्शन है कॉज लिस्ट। आपका केस कोर्ट में कितने आइटम नंबर पर लिस्ट हुआ है वो भी आप इस ऐप से चेक कर सकते हैं। पहले आप अपना कॉज लिस्ट पर क्लिक करें, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें, इसके बाद आप अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करें, इसके बाद अपना आपका केस किस कोर्ट में चल रहा है आप कोर्ट नेम डाल दीजिए, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ हियरिंग डाल के आपका मैटर सिविल है या क्रिमिनल उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी केस लिस्ट सामने आ जाती है, आप अपना आइटम नंबर उस पर जाकर चेक कर सकते। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी। अगर आप खुद अपने केस की पूरी जानकारी चाहते हैं तो अपने फोन से भी आप अपने केस का स्टेटस बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।